जियोनी, कार्बन लावा, एमटीएस, पैनासोनिक, एमटेक, ये कोरियर कंपनी है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ये सोचो आप जब प्रोडक्ट ले रहे हो तो। और स्कैम करने की कोशिश करते हैं, पर भाई के मुताबिक भाई ने मेरी कुछ वीडियो पहले से ही देखी हुई थी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? कमेंट सेक्शन में अपने हालचाल जरूर बताना, क्या चल रहा है आजकल जीवन में। खैर, आज का नया स्कैम वही फॉरेन फ्रेंड वाला है। एक और नई सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने ये डिटेल मुझे शेयर करी है, मैथ्यू जी, मैथ्यू बैरल नाम है उनका, जो कि असम के रहने वाले हैं। उन्होंने इन स्कैमर्स के बारे में बताया कि एक्चुअली उनके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है बाहर से, और वो किस तरीके से उनको गिफ्ट भेजते हैं, डोनेट करते हैं उनकी फैमिली सपोर्ट के नाम पे, और स्कैम करने की कोशिश करते हैं, पर भाई के मुताबिक भाई ने मेरी कुछ वीडियो पहले से ही देखी हुई थी, जिनकी वजह से वो समझ गए कि ये उनके साथ स्कैम हो रहा है और उनके पैसे बच गए। तो देखिए कितना अमाउंट वो बचा चुके हैं और ये स्कैम किस तरीके से उनके साथ एग्जीक्यूट होने वाला था। हर स्कैम अलग होता है, हर स्कैमर के अलग थॉट होते हैं, तो ये वीडियो बनाई जाती हैं ताकि आपको बचाया जा सके। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम तो गाइस मज़ा नहीं आया ना, पर कोई नहीं, मैनेज कर लो, थक चुका हूँ मैं, ये 9वीं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और फिर आगे की वीडियो देखें। तो कंटिन्यू करते हैं। ये भाई ने मेरे को, बेल्टी कहते हैं इसको, कुछ ऐसा ही नाम होता है, उस कंपनी ने एक फेक ये बना के भाई को स्कैन करके भेज दी बंदे ने, जो स्कैमर था, कि भाई को यकीन हो जाए एक्चुअल में ये एयरवे का बिल है यूनाइटेड स्टेट से, जो भाई का पार्सल आ रखा है। ठीक है, पार्सल आ रखा है, ये उसका बिल है, और भाई को टोटल बोल दिया है कि कंसाइनमेंट है एक, जो कि बॉक्स सील्ड है। ये बंदा समझदार था, इसे पता था कि कोई भी जो कोरियर कंपनी होती है वो कभी भी लगेज जो है उसके अंदर के आइटम्स, जो आर्टिकल्स हैं, उनकी डिटेल पब्लिश नहीं करती। इसीलिए इसने कहा आइटम कंटेंट वंस कंसाइनमेंट बॉक्स सील्ड कार्टून, इन्हें लिख दिया, और कह रहा है कि टोटल पेड 2,250 यूरो। समझ लो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, आप देखें तो। अब आगे की बात कर लेते हैं, इस स्कैम में चल क्या रहा है। अरे चल जा, चल गया कंप्यूटर। तो ये जो भाई के पास कस्टम से फ़ोन आता है कि देखो क्या हुआ, भाई के पास एक कॉल आई लेडीज़ की, भाई के पास एक मैसेज आता है किसी लेडीज़ का, वो भाई की हेल्प करना चाहती है, प्रोडक्ट बेचती है भाई को। फिर ये जो जनाब का नंबर है 1875004584, ये कहता है कि मैं कस्टम ऑफिस से बात कर रहा हूँ और आपका ये पार्सल आया हुआ है, इसका क्लियरेंस के लिए आपको ये अमाउंट पे करना होगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया AD डायमंड स्काई कोरियर सर्विस अकाउंट नंबर दिस IFSC CBIN 0280001 अमाउंट 29,700 रुपये भाई को पे करने के लिए कहा गया, तब वो ये लाखों करोड़ों रुपये का पार्सल ले सकते थे, जो कि कभी उनके पास नहीं आना था और उनके 29,700 रुपये चले जाते। अब ये कुछ चैट उन्होंने मुझे भेजी है, यू रेडी टू पे कस्टम चार्जेस टू कलेक्ट द कंसाइनमेंट आर्टिकल, येस और नो, काइंडली डू अरेंज द कम्प्लीट रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड ड्यू प्रोसेस फॉर देम, रिलीज दोज कंसाइनमेंट आर्टिकल्स टू यू, एक्सपेंसिव आर्टिकल्स आर इनसाइड द लगेज बॉक्स, डोंट अलाउ देम टू मिसप्लेस दोज मटेरियल आर्टिकल। है कुछ नहीं, बंदा यही है, सब मान लो मैं ही स्कैमर, यहीं कंप्यूटर बैठ के सब कर रहा हूँ, पर दिखा ऐसे रहा हूँ कि धूम मचा रखी है एकदम। तो बॉक्स बॉक्स कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके अंदर आर्टिकल्स, डायमंड रिंग वगैरह कुछ होनी नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। तो भाई ने कहा आई हैव नो मनी, वेयर विल आई गेट दिस बिग अमाउंट। तो ये कह रही है कि चार्जेस तो आप पे कर दो और उसके अंदर बहुत है, प्लीज़ ब्रदर यू कॉल द कोरियर डिपार्टमेंट, दे विल क्लियर यू ऑल प्रोसीडिंग, इफ पॉसिबल यू क्लियर ऑनलाइन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जब भाई कॉल करेगा होगा ठीक है सर अभी 10-15 हज़ार दे दो, फिर 15 हज़ार बाद में दे देना आप, ठीक है डिलीवरी के टाइम पर मैनेज करके। तो 15 हज़ार भी ले लिए, ठीक है 15 नहीं मिले, 15 में तो गुजारा कर ही लेगा स्कैमर, अभी तो 50 लोग लाइन में बैठे हैं, इस तरीके से वो स्कैम करेगा। सो आई वांट यू टू रिसीव ऑल आर्टिकल टुडे, आई हैव नो मनी, भाई ने कह दिया टू पे। उसके बाद भाई के मुताबिक मैसेज आने हो गए बंद, क्योंकि पैसा ही नहीं है सर, तो क्या कर लोगे तुम बंदे के साथ स्कैम। हाय, ये लेडीज़ की उन्होंने नेट से उठा के फ़ोटो लगाई, सीनियर सिटीजन है, कोई क्रिश्चियन है, ये बच्चों की फ़ोटो लगाई दिल्ली या दिल्ली दिखाते हुए कि हाँ, और फिर जो जिस बाइबल वगैरह में लिखी होती हैं लाइनें, वो भाई को कॉपी पेस्ट करके भेजनी शुरू कर दी। आप वीडियो पोस्ट करके मैसेज पढ़ सकते हैं यार, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का कोई मूड नहीं है। ये तो यूज़ होता है आगे फॉरवर्ड करने के लिए, और स्कैमर्स को फोटो यूज़ होंगे अलग अलग,
लोगों को स्कैम करने के लिए वो आपके फ़ोटो यूज़ करेंगे कि मैं ये बंदा बात कर रहा हूँ, जिससे लोग यही सोचते रहे एक्चुअल में बंदा था कौन। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई सर। अब ये वो वेबसाइट है जिसका यूज़र इंटरफेस मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे, तो अच्छा मैंने खाली ये फ़ोटो लगा रखा है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसकी वेबसाइट की कैसी। आप ये देखो चला गया, ये वेबसाइट है डायमंड SKYLCC.com और ये अपने मेन डोमेन तक पे वेबसाइट एड्रेस नहीं कर रही रे, ये क्या शिपिंग करेगी। फॉरबिडन, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस वेबसाइट। अब देखो कि सॉरी कुर्सी है यार, प्रॉब्लम कर रही है, दे दो डोनेशन, दे दो मुझे ही दे दो यार, स्कैमर्स को देने से अच्छा कम से कम कुर्सी तो ले लूँ। सुनो, ये क्या कर रहे हैं, किसी भी जो कोरियर वेबसाइट होती है उसकी सर्विस होती है, प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है, लोकेशन होती है जहाँ से आप प्रोडक्ट दोगे, जहाँ वो डिलीवर करेंगे, लिस्ट ऑफ कंट्रीज होती है, फ्लाइट्स, कार्गो शिप्स टाइप होते हैं, अर्जेंट फ्लाइट्स की डिटेल्स होती हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारी डिटेल आपको देंगे। ऐसी कोई डिटेल नहीं है सर इस वेबसाइट पे, चूतिया बना रहे हैं खुले आम। सीधा दे दिया ट्रैक, हर स्कैमर की तरह ट्रैक करो, यहाँ कोड डाल के ट्रैक करो और वहाँ वही डिटेल आएगी जो शुरू में मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, पेज खुल के आ गया, कुछ काम नहीं करेगा, सब नेट से उठा के कॉपी पेस्ट करा हुआ है वेबसाइट पे। वेबसाइट इतनी स्लो चल रही है ना इसकी, क्या बताऊँ आपको। फिर वही खुल के आ गया, बार बार वही चीज़ खुलेगी और कुछ काम नहीं करेगा। सर्विसेज पे जाओ, अबाउट डायमंड स्काई लॉजिस्टिक कंपनी, अगर मैं इसका प्लैगरिज्म वर्जन चेक करूँ ना पता चलेगा ये किसी और वेबसाइट से उठाया है। उसके बाद देखो क्लाइंट्स, जियोनी, कार्बन लावा, MTS, पैनासोनिक, एमटेक, ये कोरियर कंपनी है भैया, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ये सोचो आप जब प्रोडक्ट ले रहे हो तो। लॉगिन में कौन ट्रैकिंग आईडी डलवाता है भैया, अखंड चूतिया भाई, समझ रहे हो। तो उम्मीद करूँगा ये बेसिक डिटेल्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी किसी ना किसी मायने में। अगर हाँ तो एक दवाएँ, अगर ना तो दो दवाएँ। यार मजाक कर रहा हूँ बस, दरअसल क्या है कि मुझे चाहिए, मतलब जो सब्सक्राइबर और इतनी मेहनत के बाद व्यू का रिस्पॉन्स है ना वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है जो मैं सोच के चल रहा था। बहुत ही यार प्रॉब्लम हो रही है, उतने व्यू मैं नहीं जानता क्यों नहीं आ पा रहे हैं या आ रहे हैं। पर एक रिक्वेस्ट तो है यार, जब मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ, इतना रिस्क ले रहा हूँ, स्कैमर से बात कर रहा हूँ, उनके पास तक पहुँच रहा हूँ उनको ढूंढने के लिए, उनकी डिटेल निकाल के यहाँ पब्लिश कर रहा हूँ, तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप पे कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं लोगों तक पहुँचें तो आप वो मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो करें यार, ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, यूट्यूबर कोई भी हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये सब चीज़ें। और अभी तो अपने पास इतने ही सब्सक्राइबर हुए हैं कि एड्स चलने शुरू हो गए हैं, तो मेहनत बहुत बची है अभी ज़िंदगी वाली। तो गाइस ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए सारे नियमों का पालन करिए, और अपना पैसा सेफ रखने के लिए मेरी वीडियोस देख लीजिए, बहुत हैं।